राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय अब नजदीक आ गया है। समारोह को भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। देश और दुनिया के खास और प्रतिष्ठित लोगों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं और इसके साथ साथ एक संकल्प नाम से बुकलेट भी दी जा रही है। इस बुकलेट में देवराहा बाबा की तस्वीर छपी है जिनकी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। देवराहा वही बाबा हैं जिन्होंने 1992 की घटना से पहले इलाहाबाद की एक सभा में राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। देवराहा बाबा ने पूरे विश्वास के साथ कहा था, राम मंदिर अवश्य बनेगा, राम मंदिर बनने में कोई विघ्न नहीं डालेगा, ये मंदिर सभी के सहयोग से बनेगा। 33 साल पहले देवराहा बाबा की भविष्यवाणी आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वक्त तक ना ही राम मंदिर के लिए लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी और ना ही विवाद ढांचा गिराया गया था। देवराहा बाबा 250 साल से ज्यादा जिए। देवराहा बाबा बहुत मशहूर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनका आशीर्वाद लेने गए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन समेत देश दुनिया के तमाम दिग्गज बाबा से आशीर्वाद लेने जाते थे। उन्हें चमत्कारी बाबा भी कहा जाता था। भारत के दिव्य संतों में से एक माना जाता था। दुबला पतला शरीर, लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, कंधे पर यगोपति और कमर में मृगछाला ही उनकी पहचान थी। देवराहा बाबा बिना किसी से पूछे ही हर किसी के बारे में सब कुछ जान लेते थे। हालांकि कभी अपनी उम्र, शक्ति या सिद्धि का दावा नहीं करते थे, लेकिन उनसे मिलने वाले लोगों ने हमेशा चमत्कार महसूस किया। इसी कारण दूर दूर से बड़े बड़े दिग्गज उनके दर्शन करने आते थे। वो मथुरा में यमुना नदी के किनारे स्थित आश्रम में रहते थे। वहां 12 फीट ऊंची लकड़ी के मचान से भक्तों को दर्शन देते थे। अमूमन शरीर पर एक कपड़ा भी ही पहनते थे। बाबा की उम्र को लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ समर्थक मानते थे कि बाबा 250 साल से ज्यादा जिए। कुछ समर्थक बताते हैं कि वो 500 साल तक जीवित रहे। कुछ लोग उनके जन्म का साल 1477 भी बताते हैं। राम मंदिर आंदोलन में देवराहा बाबा की भूमिका आखिर क्या थी? कहा जाता है कि देवराहा बाबा के पास भविष्य में क्या होने वाला है ये देखने की क्षमता थी। माना यह जाता है कि राम मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने कुछ प्रयास भी किए थे और राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी उनके इसी प्रयास का एक हिस्सा है। अफसोस इस बात का है कि अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए देवराहा बाबा आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू होने से पहले 19 जून 1990 को वृंदावन में यमुना किनारे अपना शरीर त्याग दिया था। बाबा देवराहा ने ही कांग्रेस को चुनाव चिन्ह दिया था। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने इमरजेंसी घोषित रही थी। इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना पड़ा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी काफी मायूस हो गई थी, पूरी पार्टी आत्ममंथन में जुट गई। फिर किसी ने उन्हें देवराहा बाबा के दर्शन करने की सलाह दी। इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके देवरिया आश्रम पहुंचे। बाबा ने उन्हें अपने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इंदिरा गांधी ने बाबा के इस आशीर्वाद को मन से लगा लिया और पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रख दिया। पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा था। हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह पर ही इंदिरा गांधी ने 1980 का लोकसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। इंदिरा गांधी एक बार फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। देवराहा बाबा के ऐसे कई चर्चे मशहूर हैं। आखिर राजीव गांधी ने राम मंदिर बनने से क्यों रोका था? देवराहा बाबा का 1990 से पहले का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में बाबा ने राम मंदिर बनने से लेकर राजीव गांधी तक का जिक्र किया है। पूर्व प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए बाबा कहते हैं कि राम जन्मभूमि के संबंध में राजीव गांधी का सिद्धांत भी अच्छा है, सबका सिद्धांत अच्छा है। जब बाबा से पूछा गया कि क्या राजीव गांधी ने राम मंदिर बनने से रोका तो बाबा ने कहा, नहीं, राजीव गांधी ने नहीं रोका। मंदिर कायदे से बन जाएगा, मंदिर अवश्य बनेगा, मंदिर बनने में सबका सहयोग रहेगा। राजीव गांधी बड़ा अच्छा आत्मा है, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा विश्व हिंदू परिषद, सब हमारे हैं और मैं उनका हूँ। राम मंदिर बनने में कोई विघ्न नहीं करेगा, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब हमारे हैं और मैं उनका हूँ।